अस्सलाम वालेकुम फैम, अ ग्रेट मॉर्निंग इट इज़ विद एक घंटे की नींद और 2 लीटर पानी की सहरी। ऑल आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ फिश वाटर की क्वीन है लाइफ, उसकी वाटर है। हैंड लगाओगे स्केयर हो जाएगी, वाटर से आउट करोगे डाई हो जाएगी। आई एम हाई ऑन वाटर और मुझे बहुत ज़्यादा अभी से रोज़ा लगने लगा है। मतलब मुझे रोज़े का डर लग रहा है, रोज़ा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है कि मुझे रोज़ा लगेगा। मैं आपको टाइम दिखा देती लेकिन इधर का जो सेल है वो मुक गया, तो इधर 4-6 बजे दिख रहे हैं, लेकिन टाइम हो रहा है अभी 3 बजे नहीं है। वजू करके आए हम लोग, इबादत वगैरह करेंगे। आज का रोज़ा वैसे यहाँ पर पाकिस्तान में 8 तारीख है, 8 जुलहज, और सऊदी में योम अरफा है, और कल यहाँ का 9 जुलहज होगा। तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम लोग, मतलब योम अरफा एक ही होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम उसमें भी शामिल हों उधर, उस मतलब समझ जाओ जो भी है। तो हम लोग इसलिए यही समझ जाओ, ठीक है। मुझे नींद आई भी है, मुझसे नहीं बोला जा रहा, और दुआ करेंगे आप सबके लिए भी। मैं फ्रेश लग रही हूँ ना, यू नो। हाँ देखो यार, ऐसा लग रहा है मस्कारा लगाया हुआ। बहरहाल क्या बोल रही थी मैं, खैर आज का दिन हमारा कुछ सोते हुए जाएगा, कुछ इबादत करते हुए जाएगा। ज़्यादा कुछ हम दिखा नहीं पाएंगे बिकॉज वी डोंट शो ऑफ आवर इबादत, ओके। इट इज़ प्राइवेट, इट इज़ पर्सनल विद यू एंड अल्लाह। तो कीप अस इन योर प्रेयर्स एंड वील गिव यू गाइज इन आवर्स, ओके। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, नहीं मतलब मिलते हैं फजर के टाइम पे। फुल नहीं छुपाएंगे, कुछ कुछ आपको बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हाँ 9 जुलहज तो वैसे भी कल है, तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ दिखाएंगे, कुछ छुपाएंगे, और ऐसे चलता रहेगा दिन। मिलते हैं फजर के टाइम पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। किचन में सामान रखने आई थी, पता चला बर्तनों की बारी मेरी है। अब जाके नफर वगैरह पढ़ के फिर आती हूँ बर्तन धोने, तब तक अभी इसमें पानी डालिए ताकि चीज़ें सूख ना जाएँ। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पर पड़ोसियों का अलार्म सुनाई दे रहा है तो क्या आप यकीन करेंगे? ना भी करें तो मुझे तो पता है कि मुझे सुनाई दे रहा है। बहरहाल तिलावत वगैरह करके आ गए हैं। ये चेक करो, ये क्या है भाई, दिस इज़ समथिंग। अबे ये है क्या, चलो मार डाला। तो हम लोग आ गए हैं बर्तन धोने, बर्तन धो के हम लोग, अल्लाह कितनी क्यूट आवाज़ थी परिंदे की। फिर बर्तन धो के हम लोग देखते हैं कि सोना है या और जिक्र अज़कार करने हैं। ओके गाइस, सो मैजिक हैपनिंग इन 3, 2, 1। ता डन विद द मैजिक। चलो अब जाके सोते हैं, 1 बजे जाके अब नमाज वगैरह पढ़ के हम लोग तिलावत करने बैठे हैं। तो जिक्र अज़कार के साथ थोड़ा सा हम अपने आप को भी ध्यान दे देते हैं, ईद आने वाली है तो ईद की तैयारी भी तो करनी है ना। तो जो हम टैन शैन होके आए हैं अब हम लोग वो थोड़ा मुकाते हैं। बच्चा स्विमिंग पूल में जा जा के इतना टैन हो गया है ना, सर इधर देखो कैसे महसूस हो रहा है, आपकी हल्दी हुई है आज। अब बारी आती है अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने की, जो कि सबसे मुश्किल टास्क है। अल्लाह ये खुल क्यों नहीं रही, स्क्रब ही पहन लेती हूँ यार, इतना कम्फर्टेबल होता है। चलो कुछ ना कुछ देख लेते हैं हम, अपना कर लो साथ में, मेरा भी कर दो, ईद पे कर लेंगे। ये सिर्फ मेरा कबर्ड ऐसे पड़ा होता है, ऊपर वाला इतना सेट भी होता है, मतलब ये वो सर्दी वाले सारे कपड़े इसमें रखे हुए हैं, लेकिन ये अभी मैंने कपड़े लिए हैं तो इसलिए ज़्यादा सेट हो गया है, वरने इससे कम सेट होता है तो ख़राब। अब हम लेते हैं इसके साथ कोई स्टॉप, अरे हाय वाइट चलेगा, वाइट चलेगा नहीं दौड़ेगा। चलो जी ये हो गए मैं सारे स्टॉल अरेंज, में भी इसमें भी इसमें भी। गाइस नहा धो के अब हम धोते हैं अपने बर्तन। बहुत जल्दी आ गई, 1 घंटे से तो बुला रहे हैं। नहा रही थी, बाथरूम जाके भूल जाते हो कि और भी जिंदगी है। ये ईद की तैयारी, ईद में हमें खुद को रगड़ना चाहिए। मैं बेहोश हो रही हूँ अभी फिलहाल, ये इनकी चीज़ बन रही है जो इनकी फेवरेट है, मेरे लिए इसमें बन रही है। मैंने सुबह 2 नवाले से ज़्यादा सहरी नहीं पी होगी, सारा आधा लीटर मतलब 2 लीटर पानी पिया है, और बर्तन में 2 दफ़ा धो चुकी हूँ। इसके बाद अगर मैं आई ना तो इधर से मैं स्ट्रेचर पे जाऊँगी सीधा हॉस्पिटल।
को रोजे लगने लग गए हैं, अब सब अपना वेट देख रहे हैं कि कितना कम हुआ है। मैं अपना वेट नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले दुपट्टे के साथ चेक किया तो मेरा अपने नॉर्मल वेट से 1 kg कम आया है। अब मैंने दुपट्टा हटाया ताकि मैं देखूं कि एग्जैक्ट 1 kg, उसमें 2 points फिर भी ऐड हो रहे थे, तो आई थिंक कि वो 2 points जो हैं वो उसके थे मेरे दुपट्टे के, तो मैं बिना दुपट्टे के देखूंगी। आपको वेट नहीं बताऊंगी, बस ये बता रही हूं कि हम लोग अभी अपना वेट देखने के लिए खड़े हैं क्योंकि हम सबको रोज़ा लग रहा है। पूरे व्लॉग में मैंने अपना थोबड़ा नहीं दिखाया था, अभी मैंने सोचा क्यों ना हम सन के थोबड़ा दिखाएं। शदीद किस्म का रोज़ा लग रहा है। अभी असर की नमाज़ पढ़ चुके हैं, हम दुआएं सब कर रहे हैं, साथ में किचन में काम भी हो रहा है। अभी मैं किचन में अपनी नहीं, इन लोगों की जो डिश है उसमें चम्मच मार के आई हूँ ताकि जल वल ना जाए। वो देखो ज़रा सीन चेक करो नज़ारे, सच अ प्रीटी बैकयार्ड यू नो। खैर अभी मैं जाती हूँ, मेरी दुआएं अभी रहती हैं, इतनी सारी भेजी हुई हैं सब ने तो वो सारी पढ़ती हूँ। आपके लिए भी दुआ मांगूंगी, आप भी मेरे लिए दुआ मांगे, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने सोचा अपना थोबड़ा तो दिखा दूँ आज के व्लॉग में, थोबड़ा भी नहीं देखा हम लोगों ने अभी तक। चलो मैं गई, एक सेकेंड, सन किस्ट, सी यू लेटर। इफ्तारी हमारी हो गई है गाइज, अभी खजूर खाए हैं मैंने और लस्सी पी है, अब्बा की दे रही हूँ। अब्बा की हम लोग आगे अपनी इफ्तारी बढ़ाते हैं। बहुत ही जल्दी में सारा काम हुआ, दुआएं मांग रहे थे और सारा इधर उधर, तो व्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला मुझे। इन लोगों ने ये बनाया हुआ है और मेरे लिए इन लोगों ने ये बनाए हैं फ्राइज, और इन लोगों ने बनाया है ये जिसको कहते हैं रेश बिल्लाहम, दिस इज़ नॉट पिज़्ज़ा, ये अरब डिश है, इसमें कीमा डलता है, तहीने सॉस का कुछ बन के डलता है, तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, मतलब पिज़्ज़ा नहीं है ये। वॉशिंग बर्तन फॉर द 8th time इन द डे, इसमें बीच में वो लोग धो भी चुके हैं, फिर भी अब मैं आई हूँ यहाँ धोने के लिए। उधर पीछे से मैदान अरफात में जो बातें हो रही हैं वो सुन रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा छोटा सा टाइम लैप्स बनाते हैं अपने बर्तन धोने का, और उसके बाद हम लोग ये मुका के कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग। मैंने इतनी ज़्यादा इफ्तारी कर ली है कि मेरा पेट फट रहा है, तो हम लोग इसके बाद वॉक के लिए जाते हैं। ओके, गाइस फिलहाल आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो मैं बताऊँगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पर ये लोग मुझे सरप्राइज़ देने आए थे और मैं एक बर्तन धो रही थी और सरप्राइज़ हुई और रोई और पता नहीं क्या क्या हुआ। मतलब शुक्र है यार, एक एक उससे अच्छा भी हुआ कि आवाज़ नहीं, वरना मेरे बच्चों वाला रोना आप लोग सुन लेते। गाइस कोई स्पेशल फूटी किस्मत लेकर आए हैं हम कि इतना अच्छा रिएक्शन वीडियो इन लोगों ने बनाया था और उसको जो नज़र लगी और वो वीडियो की जगह टाइम लैप्स बन गया। और अब मैं सर्च कर करके थक गई कि टाइम लैप्स को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमारी किस्मत ही ऐसी है। इसी के साथ अपने व्लॉग को हम अल्लाहफ़िज़ करते हैं। वैसे तो मैंने जाना था वॉक पे, लेकिन मेरा मूड जो ख़राब हुआ है इस एक वीडियो की वजह से, उसने जल्दी में वो बनाई हड़बड़ी में और उसने देखा नहीं कि टाइम लैप्स पे है, और दोनों की गलती की वजह से। तुम मुझे एक बार दिखा देती ना कि ज़ैनब ये देखो ये मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं खुद देख के बता देती कि तुमने टाइम लैप्स स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये उसमें थी कि मुझे पता ना चले कि ये सरप्राइज़ दे रहे हैं, और मैं इसको बार बार बोल रही थी, तंग कर रही थी, मेरा टाइम लैप्स ख़राब कर दिया तुमने, मेरा टाइम लैप्स ख़राब कर दिया ये वो, तो उसमें जो जो बातें हुई वो तो अब दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट वाज द बेस्ट एवर सरप्राइज़, और पहला सरप्राइज़ जिसका मुझे पता नहीं चला, बावजूद इसके कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, सब कुछ मुझे पता था, लेकिन कुछ भी मुझे पता नहीं चला। तो बस यही हमारी किस्मत में होगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अभी हम लोगों की रात काफ़ी लंबी होने वाली है, आज रात हम सोएंगे नहीं क्योंकि कल सबका रोज़ा होगा घर में। आज सबका रोज़ा था नहीं, असल में अब्बू का और एक भाई का रोज़ा नहीं था, बाकी सबका रोज़ा था, तो कल इंशाल्लाह सबका रोज़ा होगा, रात जागेंगे, उसके बाद सुबह सोएंगे और फिर वैसे हमारी रूटीन होगी कल के लिए। अभी हम लोग अपने व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपके देखेंगे, प्लस डू टेल मी कि व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। आज हमारा 4th व्लॉग हो जाएगा ना, 11 दिन रहते हैं और ये 11 दिनों में वी विल गेट बेटर। ओके, सी यू, बाय।